भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का। तो मॉर्निंग न्यूज में आज आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो आज देश में होने वाली हैं। जैसे मुरादाबाद में आज से लगेगा पीएम सोलर कनेक्शन मेला और निम्बाहेड़ा कृषि मंडी आज से होगी शुरू। ऐसी ही तमाम खबरों के बारे में आपको चलिए बताते हैं। साथ ही अंत में आपको आज के दिन से जुड़े कुछ रोचक इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 और बड़ी खास खबरों का सिलसिला। मुरादाबाद में आज से लगेगा पीएम सोलर कनेक्शन मेला। आपको बता दें आज यानी 6 नवंबर से पीएम सोलर कनेक्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री सोलर कनेक्शन के 2 दिवसीय मेगा मेला 6 व 7 नवंबर को लगेगा। उपभोक्ताओं के लिए कैंप का समय सुबह 10 बजे से रहेगा। राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट आज। बता दें शिक्षा विभाग राइजिंग राजस्थान के तहत आज यानी 6 नवंबर को एजुकेशन प्री समिट 2024 आयोजित करेगा। बता दें समिट में शिक्षा क्षेत्र के जुड़े विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नामी लोग, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले लोग शामिल होंगे। ये समिट सुबह 11 बजे होटल इंटर कॉन्टिनेंटल टोंक रोड जयपुर में होगा। निम्बाहेड़ा कृषि मंडी आज से होगी शुरू। निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी दीपावली की छुट्टियों के बाद आज यानी 6 नवंबर से फिर से खुलने जा रही है। बता दें कि संदर्भ में प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 6 नवंबर को अपने कृषि जिन्स मक्का को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाकर मंडी में लाएं। आज सहरसा आएंगे रेलवे के जीएम। पूर्व मध्य रेलवे के रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह आज यानी 6 नवंबर को सहरसा जंक्शन पहुंचेंगे। बता दें कि वे पाटलिपुत्र से सहरसा के बीच विंडो निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सहरसा पहुंचकर यात्री सुविधाओं से लेकर क्राउड कंट्रोल के लिए की गई व्यवस्था का भी निरीक्षण करेंगे। देसूरी पंचायत का लोकार्पण समारोह आज। देसूरी कस्बे में नवनिर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण समारोह आज यानी 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। बता दें जिसकी तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। पेंशनर समाज के प्रांतीय अध्यक्ष आज सलूम्बर आएंगे। पेंशनर समाज के प्रांतीय अध्यक्ष आज यानी 6 नवंबर को सलूम्बर में जिला पेंशनर समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको बता दें कि पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विजय शंकर शर्मा ने बताया कि पेंशनर समाज सलूम्बर की एक आवश्यक बैठक 6 नवंबर को होगी। सागर में जिला योजना समिति की बैठक आज। जिला कार्य योजना समिति की बैठक आज यानी 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। बता दें कि बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार मंत्री शुक्ल 6 नवंबर को सुबह 8 बजे भोपाल से सागर के लिए रवाना होंगे। बालाजी महाराज को आज लगेगा 56 भोग। मड़ाविदा बस स्टैंड चौराहा स्थित श्री हनुमान मंदिर में आज यानी 6 नवंबर को बालाजी महाराज को 56 भोग लगाया जाएगा। आपको बता दें इस दौरान दिन भर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शाम 7 बजे महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि आज। बताते चले कि डूंगरपुर में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि आज यानी 6 नवंबर तक है। बताते चले कि आवेदन को लेकर प्रदेश की 186 निकायों में 23,820 पदों पर ऑनलाइन आवेदन को लेकर सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। आज से 6 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। बताते चले कि देश में मौसम का रुख बदल रहा है जिससे उत्तर भारत के राज्यों में ठंड की शुरुआत महसूस हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण तमिलनाडु तक एक ट्रफ लाइन बन गई है। वक्त हो चुका इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1813 में आज के दिन मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। साल 1939 में आज के दिन भारतीय वायुसेना में पायलट विजय कुमार कार्णिक का जन्म हुआ था। साल 1985 में आज के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का निधन हुआ था। साल 1990 में आज के दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2004 में आज के दिन रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।